मैं तेरे से लोग ना चार रोज बेच देता हूँ। बेचते हो? बेच देता हूँ, समझ रहे? तेरे से चार तभी तो जेल जाते हो भाई। हाँ मैं आता हूँ ना बाहर, समझा क्या भाई? रोज तक खिलते नहीं। सो गाइस, प्लेग्राउंड सीजन 4 में मुनावर फारूकी का एक बंदे के साथ लफड़ा हो गया, साथ ही एल्विश यादव उस बंदे को एक्सपोज कर दिए। एज यू नो, प्लेग्राउंड सीजन 4 में मुनावर फारूकी भी हैं, तो ऑडिशंस के दौरान उनका एक कॉन्टेस्टेंट से लफड़ा हो गया। इस बंदे ने आते ही मेंटोर्स की इंसल्ट कर दी। इवन ये बंदा बैक स्टेज भी मेंटोर्स की इंसल्ट कर रहा था। ये बंदा आते ही बोला, चलो शुरू हो जाओ, बताओ अपने बारे में। सो मुनावर फारूकी को ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। आप वो क्लिप देखिए। बताओ अपने बारे में। अरे बता दो यार अपने बारे में। पहली ऑफेंड हो गया यार तू तो। रोस्टर है, झेल नहीं पा रहा अभी से। रोस्ट तो किया ही नहीं तूने। आपको रोस्टिंग पसंद है ना? मतलब रोस्टिंग पसंद नहीं, कर लेता थोड़ी बहुत। आप करना शुरू करो। मैं तो करता ही हूं ब्रो, इसीलिए यहां पे बैठा हूं। पता नहीं चलता स्टैंड अप कॉमेडी करते हो या रोस्ट। दोनों आर्ट फॉर्म अलग अलग है, तू नहीं समझेगा भाई। आप समझाओ थोड़ा सा, मेरे को समझ नहीं तो आया हूं मैं। नहीं तो मैं भी चूज करता हूं ना। आई पिक पीपल ब्रो, मैं खुद चूज करता हूँ। तो जेल चूज किया था या खुद ही? वो सब नसीब में होता है, किस्मत में लिखा होता है। वैसे भाई बता, आपको मैं चार बार मिल चुका हूँ, मुझे एक भी बार याद नहीं है। तो समझ जा तू कितना इंपॉर्टेंट है। जेल में था, जेल में मेरा ताऊ जेलर था। आपके दाल में तो नमक कम हुआ करता था, मैं ही डलवाता था। कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी। देन इसके बाद एल्विश यादव उस बंदे को एक्सपोज किए। वो बताए कि उनका पास्ट में उस बंदे के साथ एक लफड़ा हुआ था, जिसकी वजह से एल्विश यादव ने उसकी पिटाई कर दी थी। वो रीजन क्या था आप खुद देखिए। शिवम, हाँ जी भाई, असली कैरेक्टर में आ जाते हैं यार, ये तो आप नहीं हो यार। वो पहले नहीं था ना मैं। अब क्या हो गया तुम्हें, गिर गए कहीं से? नहीं, गिरा नहीं मैं, मतलब थोड़ा सा टॉक्सिक लोगों के बीच में रहते रहते ऐसे होगा भाई। सबसे पहली बार कैसे मिले थे हम, एक बार बताओ जरा। सबसे पहली बार शायद हम किसी झूठ में मिले थे। हमारे बीच में कुछ हुआ भी था क्या? बिल्कुल हुआ था भाई। लड़ाई कैसे हुई थी यार? आपने कोई बात छेड़ दी कि मैं किसी आपका फैन पेज चला रहा था। फैन पेज कर क्या रहा था? फैन पेज आपने मेरे को बताया था कि किसी लड़की वड़की से आईडी से बात कर रहा होगा, इस बात पर हमारी लड़ाई हुई थी। लड़ाई थोड़ी थी, वो तो एक तरफा मारपीट थी। हां तो आप ही लड़ रहे थे ना, लड़ा तो इक्वल वाला से जाता है। लड़ाई हुई या मार खाई तूने? मार वार खाई नहीं, उन्होंने बस गुद्दी पकड़ी थी मेरी। भाई बड़ा ढीठ बेचारा हूँ। तुम्हें रियलाइजेशन हुआ कि तुमने गलत किया कुछ? भाई जब मैंने वो किया ही नहीं था, गलत कैसे हो गया यार? अच्छा अभी तक मान ही नहीं हो तुम उस बात को। चलो वो तो पुरानी बात होगी, उसका दे चुका मैं तुमको। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जैसे रोस्ट होता है ना, रोस्ट होता है, हम लोग बदतमीजी नहीं करते जाते के साथ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रोस्ट एंड बदतमीजी। हां समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो आप लाइन है ना, वो थोड़ी ज्यादा क्रॉस कर रहे हो। लाइन पीछे हो भाई, मैं तो ये वाली क्रॉस नहीं होगी। ये वापस वही कर रहा है तू, बदतमीजी कर रहा है। तुझे लग रहा है तू कर रहा है, बट तू सोच ले, जहाँ पे तेरे ताऊ है ना, तू वहाँ कभी गया नहीं। हम लोग जाके आए। मैं तेरे से लोग ना चार रोज बेच देता हूँ। बेचते हो? बेच देता हूँ, समझ रहे? तेरे से चार, तभी तो जेल जाते हो भाई। हाँ मैं आता हूँ ना बाहर, समझा क्या भाई? रोज तक खिलसते नहीं ना। अरे मैं खिलस नहीं रहा हूँ, तेरी बदतमीजी पे कर रहा हूँ। और खिलसते क्या नहीं है मेरा भाई, मैं तो आप करके बात कर रहा हूँ, ये क्या बदतमीजी होती है? मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू आपसे बात कर, तू मेरे के बराबर है। मैं मार सकता हूँ तेरे को चाहूँ तो। मार ले भाई। नहीं मारूंगा ना। क्यों मार रहा? डिजर्व नहीं करता ब्रो, मेरा गुस्सा भी। मैं कह रहा हूं शिवम, देखो मैं विश भी नहीं करूंगा तू कभी जेल जाए, या फिर मैं किसी के लिए भी विश नहीं करूंगा, अच्छा ही बोलूंगा। कुछ अच्छी चीज ही बता रहा हूं मैं। देखो एज अ बिग ब्रदर मान लो, जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। आपको कूल लग रहा होगा अंदर से कि ओहो मैंने तो ये कह दिया, मेरी तो क्लिप कटेगी नहीं कटेगी भाई, वो उल्टी घूम के तुम्हारे अंदर जाएगी। मैं ही बता रहा हूं मैं तुम्हें, फ्यूचर हेट भी खाओगे तुम। क्यों फिर ये सब इनवाइट कर रहे हो? ये नॉर्मल हो जाए यार, जैसे था वैसे बात करो, उसके बाद देखेंगे तुम्हें अगर देखना होगा। सो गाइस, कूल बनने के चक्कर में उस बंदे ने मेंटोर्स की इंसल्ट की, जो कि किसी को पसंद नहीं आया, और उस बंदे को शो से बाहर कर दिया गया। सो गाइस ये पूरा मैटर था। बाकी आपका इस मैटर पे क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर से बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर।